हमारे धर्मगुरु आपसे सल्लम की शान में गुस्ताखी करे। शरीयत अगर यहाँ होती तो इस शख्स को सरेआम इसकी गर्दन काट कर, ज़ुबान काट कर लटका दिया जाता। मुसलमानों के दिल को ठेस पहुँची है, तकलीफ़ हुई है, क्योंकि हम कतई तौर पर आपसे सल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। शुक्रिया। ये जो रिंग जा रही है अमानतुल्लाह खान को। हेलो, अमानतुल्लाह खान बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? सुरेश चव्हाण के सुदर्शन चैनल के बिंदास बोल से बोल रहा हूँ। ये कौन है? ये न्यूज चैनल है। अगर अरे इसको सुन के तो नींद नहीं आती तुमको, और पूछ रहे कि कौन बोल रहे है? ये कहाँ से आ गया? ये जो धमकी तुमने दी है नरसिंहानंद को गला और गर्दन काटने पे, इस पर तुम्हारी राय पूछ रहा हूँ। तुमको बोलने का मौका नहीं दिया इसलिए, तुमको कल चिल्लाने का मौका ना मिले इसलिए। ये देखिए इसके औकात। सुदर्शन के खिलाफ इसको सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे। हमने भी जानबूझ के सीधे कॉल कनेक्ट करके लाइव में लिया था कि कल इसको पीसीआर से ही कॉल डिस्कनेक्ट करने का मौका ना मिले। दोबारा लगाओ, देखते हैं इसको नरसिंहानंद जी की गर्दन काटना तो दूर की बात है, सुरेश चव्हाण कैसे फोन पर बोलने की भी हिम्मत नहीं है। दोबारा रिंग जा रही है, देखते हैं। नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ कर दिया अमानतुल्लाह, ये तेरे असली औकात है, तू फोन पर भी नहीं आ सकता, कोई बात नहीं। लेकिन ये मुल्ला की दौड़ कहां तक? मस्जिद तक। रास्ते में सुदर्शन भी लगता है, ध्यान रखना। सर, एग्रीकल्चर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, आई कम्प्लीटली कंसीड, और उसमें कई सारे डायमेंशन हैं सर। सबसे बड़ा डायमेंशन सर एग्रीकल्चर प्राइसिंग का है, द काइंड ऑफ प्राइसेस दैट वी आर गिविंग, और जो इतने सारे कंट्रोल्स हमने एक किसान के ऊपर रखे हुए हैं, इन कंट्रोल्स को भी हटाना पड़ेगा। एक किसान को मंडी में ही जाके बेच सकता है, बाहर क्यों नहीं बेच सकता, मंडी में ही क्यों बेच सकता है, दूसरे स्टेट्स में क्यों नहीं बेच सकता, अपने स्टेट में क्यों? जितने कंट्रोल्स हमने एक छोटे से किसान पे लगा रखे हैं, जिस कंट्रोल से आप लोग दुखी हो ना सारे, उसी सारे कंट्रोल से वो भी दुखी है। आई थिंक उसको डीरेगुलेट करने की ज़रूरत है। बहुत सारे सरकार को उसकी सर से उतरने की ज़रूरत है। फ़ायदे के नाम पे कहते हैं, अब किसान अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है, यही फ़ायदा गिनाते हैं ना ये। अब किसान को अच्छे दाम मिलेंगे, वो मंडी के बाहर कहीं भी बेच सकता है। मैं उनसे केंद्र सरकार से पूरी विनम्रता से पूछना चाहता हूँ, आज पंजाब में और हरियाणा में मंडी में MSP 1850 रुपये क्विंटल है गेहूं की, बिहार में मंडी नहीं है, वहाँ 800 रुपये में किसान बेच रहा है। उस 800 रुपये में जो किसान बेच रहा है, उसको ये बता दो कि पूरे देश में वो कहाँ जाके मंडी के बाहर बेचे कि उसे 1850 रुपये से ज़्यादा का दाम मिल जाए, कहीं मिल ही नहीं सकता। मंडी के बाहर तो मंडी से कम मिलता है, तो ये भी कोई फायदा नहीं है। तो फायदा है क्या? तो किसान को एक भी फायदा नहीं है इस कानून से। इस कानून से केवल और केवल वो 4-5 बड़े बड़े पूंजीपति हैं जिनको फायदा है। आप तो मारी दोगे, औरों से भी मरवानी है। Whole new generation, you can. उन सबको he used to say, let me read your hand and spit on it and run away. his latest co-stars of Dangal are raising their hands saying, दोनों के हाथ उठा मैंने. The same thing. 24 years later, he's still doing but the same. But let me do. Amir, you have to get new pranks now. यार सुनो मेरी बात, मैं वो क्यों करता हूँ? Why do I spit on my heroine's hands? It's very important to know that. जिस हीरोइन के हाथ पे मैंने थूका है, वो number one हो गई है. तो इसलिए वो मेरा मतलब इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू डू दैट। और व्हाट अबाउट सपोर्ट? सपोर्ट सबके हाथ में दूंगा मैंने, सब नंबर वन। डाल दो सारा चौक सामली डाल के नेट पे डाल दो, ये कल मीडिया वाले आ जाएंगे। ओ तू जी हर रोटी में थूक के लगा रहे हैं, बड़ा बड़ा माल है लाइन चौक इनका तो भाई।
ना हर रोटी को प्रपोज रहा लाइन से। Good night. Yeah.